and she wanted my autograph, or like I literally feeling myself blessed. So so hello and namaste everyone, welcome back to my vlog and this is day 2 at Hills. मैं अभी लास्ट नाइट मेरे दोस्त का घर पे स्टे किया था एंड यू नो व्हाट, व्हेनेवर आई कम टू कर्शिंग आई ऑलवेज फॉरगेट टू ब्रिंग माय टूथपेस्ट एंड टंग क्लीनर एंड ऑलवेज लाइक, क्योंकि मैं कर्शिंग आता तो मेरे को ऐसा लगता नहीं कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, घर का पास में फटाफट स्कूटी में आ जाता हूँ एंड नाउ लाइक उंगली से करना पड़ रहा है. सो टुडे इज अ बिट स्पेशल डे बिकॉज टुडे इज सिद्धार्थ बर्थडे. सो लेट्स गो, थोड़ा सा ये कर लेते हैं दांत वांत का सीन, उसके बाद ब्रेकफास्ट वेकफास्ट करने का पता नहीं, निकलते डायरेक्टली, मिलते हैं व्लॉग में. मैं रेडी वेडी भी हो चुका हूँ, बट बिफोर लीविंग yesterday I took my creatine, but today ये छुरपी खा रहा था मैं. And I literally don't want to miss my today's diet also. And I had a good breakfast. Breakfast में मैंने आलू पराठे खाए, तीन आलू पराठे. उसके बाद टू बनाना एंड अ कप ऑफ टी एंड नाउ हैविंग क्रिएटिन. सो आज का तो मेरा प्रॉपर, मेरे को जो जो चाहिए था मेरा प्रोटीन का मैं बाहर से ले लूंगा. आई हैव वन एप्पल आई गेस एंड या आफ्टर हैविंग दिस आई विल पैक माय बैग एंड आई विल मूव टुवर्ड्स दार्जिलिंग. और दार्जिलिंग में आज सीन मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है? अभी टाइम है तो बता दो, क्योंकि ट्रैवलिंग करूंगा तो फिर मैं बता नहीं पाऊंगा गाड़ी रोक रोक के. अभी दार्जिलिंग जाएंगे, दार्जिलिंग में आज बस्किंग करेंगे, ठीक है? और अब मैं सब कुछ शॉर्टेड जल्दी जल्दी हो गया तो मैं डायरेक्टली सिक्किम निकल जाऊंगा और आज रात को सिक्किम में स्टे करूंगा और कल सिक्किम में डांस करेंगे और उसके बाद शाम तक मैं बैक हो जाएंगे. तो ये रहा सीन, समझ रहे आप लोग सीन क्या है? इतना पानी पीना पड़ता है, इतना पानी पीना, लाइक यू एटलीस्ट हैव टू ड्रिंक 4 to 5 liters ऑफ वाटर. और इसके वजह से जब मैं बस्किंग करता हूँ मेरे को सूसू आ जाता है डांस करते करते, तो मेरे को ना इतना प्रॉब्लम होता है इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है डांस करते करते. अब सूसू कहाँ कर रहे हैं वो सोचता हूँ मैं. अभी सबको मेरे को छोड़ के चले गए छिडो स्कूल, आंटी वहाँ बाहर थोड़ा सा इधर पड़ोस में गई है और मैं क्रिएटिव. सुबह तो कुछ नहीं दिख रहा था, ये घर नहीं दिख रहा था, ये घर जो अभी दिख रहा है ना, ये ग्रीन वाला, ये घर सुबह नहीं दिख रहा था, अभी तो दिख भी रहा है वैसे. एंड हियर आवर जर्नी बिगिंस. माय बैग्स आर पैक्ड, माय लेसेस आर टाइट and I'm freshed up, so let's go. So aunty, I'm open jan chola tapai lai kehi bhannu cha mero vlog ma uta sito eta manche le herdai cha guys, just look at the beauty of Darjeeling. I'm obsessed guys, I'm literally very obsessed. Do you know why? See this, maybe camera mein utte se acche se capture nahi ho pa raha hai, but the thing which I am seeing from my real eyes na, this is something different. Man ta kar raha tha ki chapakal mein kud ke jaan de de, samajh rahe aap? So guys, Finally, आई एम एट चौरस्ता. और ऊपर देखो, रुको मैं दिखाता हूँ क्लियरली आप लोगों को.
ऊपर में बच्चे लोग का कराटे प्रैक्टिस चल रहा है, लाइक यू नो, लाइक यू नो, फुल सपोर्ट टू आर्ट एंड या भाई हमारे प्लेन्स में इतना ज़्यादा गर्मी है और इधर इट्स टू कोल्ड आउट हियर। अगर मैंने आज विंडशीटर कैरी नहीं किया रहता ना, आई वुडंट हैव कैरीड माय विंडशीटर। ओके ना बी अगर आज विंडशीटर कैरी ना किया होता ना तो मेरा पटके चार हो जाता। थैंक गॉड आई कैरीड माय विंडशीटर एंड ग्लव्स, जिसकी वजह से मेरे को चलाने में, स्कूटी चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो अब थोड़ा सा मैं कॉफ़ी पीऊँगा, आई वॉन्ट सम कैफीन, थोड़ा सा कॉफ़ी पीऊँगा और होता है तो व्लॉग एडिट करना है, क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई तू व्लॉग बहुत देर से डालता है। द ओनली रीज़न आई ट्रैवल होल डे, दिन भर ट्रैवलिंग ही करता रहता हूँ, तो इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। बट अभी कोई कैफे में बैठते, इफ पॉसिबल फॉर मी आई स्टार्ट एडिटिंग और एल्स आई स्टार्ट बस्किंग, बिकॉज वेदर थोड़ा सा डाउन हो रहा है, ऐसा ना हो कि पानी बारिश होना स्टार्ट हो जाए, समझ रहे हो गाइज। लास्ट टाइम आई डिड माई बस्किंग आउट हियर एंड इस बार भी मैं सोच रहा हूँ इधर ही करूँ, बट लास्ट टाइम मैं ब्लॉग नहीं कर पाया था बिकॉज लास्ट टाइम थोड़ा सा हेक्टिक सीन था, तो इस बार तो मैं दार्जिलिंग आने का ब्लॉग भी कर रहा हूँ, तो वो सब सही है। थोड़ा सा देखते हैं कॉफ़ी कहाँ मिलता है और उसके बाद स्टार्ट करते हैं लेट्स गो फुल पावर 24 आवर, नो पॉटी नो शावर। आई गॉट माय ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग इज रेडी अलॉन्ग विथ मी एंड या पब्लिक है आज, पता नहीं सैटरडे को, वैसे मैं भी थोड़ा सा कम भीड़ है, बट आई एम सेटिस्फाई विथ इट एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। ठंड बहुत है बे, मतलब मैंने ये नॉर्मल सा शर्ट पहना ना, ये भीग जाएगा उसके बाद और भी ज़्यादा ठंड लगने लगेगा। सो लेट्स गो, इवन द पब्लिक आर इंजॉइंग अलॉट, सम आर फ्रॉम अपस्टेयर्स एंड सम आर डाउन एंड या द क्राउड इज गोइंग क्रेजी, लेट्स गो गाइज, आर यू ऑल इंजॉइंग? या दिस टू गाइज ओवर watching me since long and even there are people from looking from outside, hello uncle. So let's go and let's push my limit a bit more and after that I'll go straight to Sikkim, let's go. And now the crowd is really very crazy. Guys ek bar sabse high kar doge kya? thank you so much abhi. thank you so much guys. It's like this is one of the very emotional moment for me. She is a cutie and she wanted my autograph, or like I'm literally feeling myself blessed that I got in this much talent, so log mereko pyar kar rahe hain. Thank you so much. Tapko naam? Tapko? Insha. Okay, take it. Can I get a selfie? So guys, mereko busking karte karte rok diya gaya, kuch police aaye the. They were like this is kuch aisa kuch alag sa hi naam liya tha. This is VIP area. Okay, this is VIP area बोले थे, and you can't do busking out here. But the local people nearby the busking place, वो लोग बोल रहे थे कि नहीं ब्रो ऐसा कुछ नहीं है, इन लोग का बस नाटक है ऐसा कुछ। बट या मैं वैसे भी बस्किंग एंड ही करने वाला था क्योंकि मैं थक गया था और अभी मैं जा रहा हूँ दार्जिलिंग के स्ट्रीट्स में कोई कैफे में। Guys, do you know what? मैं सच में कुछ हेल्दी खाने का ढूंढ रहा था एंड आई लिटरली गॉट हेल्दी, यू नो, लुक आई एम बो दूध के साथ फुल पावर। मेरे को ना बूढ़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों बट लग रहा है, इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे को उन्होंने उठा दिया। मैं बहुत प्यार से उठना चाहता था, वो लोग प्यार से उठाए मेरे को, उधर से वहाँ से मेरे को हटाए। बट मैं जब खुद से सेटिस्फाई होके जब मैं निकलता ना कि यार नाउ आई शुड स्टॉप माय बस्किंग, तो उसका फीलिंग ही अलग होता है। बट मेरे को कोई जब रोक देता ना, लिटरली इट फील हर्ट्स एंड इट रियली हर्ट्स। बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल कम, आई विल ट्राई टू गेट दैट NOC एंड या आई विल टेक माय प्रोटीन बार, आई विल टेक माय क्रिएटिन, आई विल टेक माय डाइट एंड आई विल डांस मोर देन 3 आवर्स। मतलब 3-4 घंटे नाचते रहूँगा, साला कोई उठा नहीं पाएगा। समझ रहे हो, मेरे को चुभा वो चीज़, पता है इतना पब्लिक लोग क्राउडेड थे एंड दे वर पीपल हु लिटरली गॉट कनेक्टेड विद द आर्ट, है ना। तो अपना मतलब मैं बस गाना बजा दूँ ना तो वो लोग इतना फील में पहुँच गए, इतना डीप पहुँच गए ना कि मतलब वो चीज़, मतलब मेरे को दिख रहा था कि सम पीपल, नॉट ऑल बट हार्डली 4-5 पीपल अमॉन्ग 20-30, they were like literally very connected and I didn't want to break that, but wo break ho gaya. So guys, I'm on the way to Sikkim, just look at this beauty, wow, how beautiful this place is.
ये तीस्ता, और यही बहुत ज़्यादा वो हो गया था ना जब इसमें फ्लड आया था, तो इसकी वजह से ये सारा जो देख रहे हो ना आप लोग, इसमें मतलब होता है ना हालत ख़राब हो गया था इन लोगों का। अभी भी बहुत सारा चीज़ रिपेयरिंग में ही है। सो अभी भी मेरे को सिक्किम जाने में इधर से अभी लाइक अभी मैंने वो देखा था बोर्ड, उसमें 60 किलोमीटर स्टिल, तो मेरे को शायद से 1 या 1.5 घंटे लग जाएंगे। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ताकि क्योंकि मैं सिक्किम जा रहा हूँ। पता नहीं सिक्किम जाने से पहले मेरे को इतना एक्साइटमेंट क्यों होता है, मे बी दैट वॉज द फर्स्ट प्लेस वेर आई डिड माई बस्किंग, और भी बहुत सारा रीज़न है, बट या आई एम हैप्पी। और अभी मैं इधर तारकोला या क्या जगह का नाम है पता नहीं, मैं इधर खाना खाने के लिए रुका हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वो कॉन्फ्लेक्स ही खाया था, और अभी टाइम हो गया है, टाइम हो गया 5:35, सो आई नीड टू हैव समथिंग, तो खाओ आके। और अभी भी इधर से 1 घंटा और है ब्रो, तभी मेरा कैलकुलेशन आई गेस गलत था, आपका कैलकुलेशन सही है। आग पूरा लाल हो गया देख रहे हो, इतना ज़्यादा धूल, इतना ज़्यादा धूल है रोड में, क्या ही बताओ। मैंने अभी वेज थाली ऑर्डर किया है, वेज थाली खाते हैं, थोड़ा सा राइस सुबह से एक बार भी नहीं खाया। जो लोग राइस लवर हैं उन लोगों को पता है कि राइस मिस करना कितना बड़ा लाइक वो होता है सेक्रीफाइस। चलिए थैंक यू सो मच अंकल जी, खाना अच्छा था गाइस। एंड लिटरली मैं शाम का 4 बजे से गाड़ी चला रहा हूँ, और अब कितने हो रहे पता है आप लोग को, इट्स 7:32, और मैं अब जाके पहुँचा हूँ गैंगटॉक MG मार्ट, एंड आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि मैंने कर दिखाया। क्योंकि भैया लोग, भैया एक मेरे सिमेश दा नाम के भैया है, तो वो बोल रहे थे कि ब्रो तुम आज दार्जिलिंग में ही रुक जाओ, बिकॉज तुमको जाते वक्त बहुत देर हो जाएगा और तुम शायद सेफली पहुँच भी नहीं पाओगे। तो मैंने बोला नहीं भैया, मैंने सोचा है कि पहुँचना है तो आज ही पहुँचना है, वरना नहीं। बोल रहे कि नहीं आज तुम रेस्ट कर लो। मैं मतलब दिमाग में सोच रहा था कि सोना तो मेरे को ऐसे भी 10-11 बजे ही रात, 11-12 बजे रात को ही है, बाकी बात आई यूटिलाइज माई टाइम एंड आई एम हैप्पी फॉर इट। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, ओह डैम 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 हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। अब मैं अपने दोस्त राकेश को ढूंढ रहा हूँ, ही इज अ गुड डांसर एंड ही मेक गुड रील्स, यू नो। कहाँ है भाई राकेश? And here's my buddy. आज मैं इसके घर पे रहने वाला हूँ। Guys, meet my friend, you guys. And he's मैंने जैसे आपको बताया था, he's really very good dancer. He makes crazy reels. You can check it out. Street dancer, all over me. So let's go, let's explore a bit. Let's go. I was thinking that Mirik would, Mirik है। मेरे दिमाग में Mirik ही रहता है हमेशा। Sikkim would be too cool, ना? But it's exactly not. I'm literally feeling too hot, और मैं अभी हाफ स्लीव्स में आ गया हूँ, और यार I'm literally feeling the vibe of trekking, you know, लग रहा है कि ट्रैकिंग में है भाई। मेरे दोस्त राकेश ने मेरे को नीचे ले गया, नीचे जाने तो फट 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 चला गया, बट ऊपर उठने में भी डर है भाई, दुख से ये तीखो छ दुख से ये तीखो रे संदर संदर ना लाइट सना की अंधेरा में हिने कोई नहीं। सिंस फ्रॉम द मॉर्निंग अर्ली थिंग्स आर गोइंग एग्जॉस्टेड। ठीक है, कल मैं जल्दी आऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। मैंने अभी स्टार्ट किया था थोड़ी, अभी सारा दुकान वगैरह सारा कुछ बंद हो गया ना, तो इसकी वजह से फिर सबको डिस्टर्ब फील होगा, तो इसकी वजह से आई नीड टू क्लोज इट, बट स्टिल थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग इन माई व्लॉग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम कैल्विन टू यू ऑल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। पीस आउट।